आज की नौजवान पीढ़ी जो खेलों को भूलकर गलत दिशा में जा रही है, इसे रोकने के लिए पठानकोट के ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब की तरफ से पिछले 41 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि संस्था द्वारा फ्रेंडली मैचों के आयोजनों से नौजवानों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। आज ड्रीमलैंड क्लब और जो अपने प्रेस के फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने मिलकर एक मैच ऑर्गेनाइज किया, फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज किया प्रेस वर्सेस पुलिस एसएसपी लेवल। तो एक अच्छे बहुत अच्छी शुरुआत है, इसमें एक तो प्रेस और पुलिस के बीच इंट्रैक्शन बढ़ेगा, दूसरा जो नशे के अगेंस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मुहिम चल रही है उसको भी मैसेज जाएगा कि अगर सब लोग खेल की तरफ जाएँ तो इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो मेरी पुलिस की फोर्स है, एक जो गैप रहता है, जो हमारी टीम थी सारे ऑफिसर्स भी थे, हर रैंक के उसमें थे, कॉन्स्टेबल भी थे, एनजीओज भी थे, तो एक जो हायर रैंक और लोअर रैंक्स के जो मुलाजिम उनमें इंट्रैक्शन भी काफ़ी बढ़ा है। तो मैं बस रिक्वेस्ट चाहूँगा इस तरह के मैचेस और भी ऑर्गेनाइज हों, ना सिर्फ प्रेस के साथ जो डिस्ट्रिक्ट में और भी टीम्स हैं, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स के साथ भी हम खेलेंगे। हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट करवा कर नौजवानों में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने की कोशिश की गई है और इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए आज पठानकोट प्रेस क्लब और पंजाब पुलिस द्वारा मिलकर कोशिश की गई और नशे के खिलाफ नौजवान पीढ़ी को संदेश दिया गया। पठानकोट से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।